नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमयी किस्सा लेकर, एक और रहस्यमयी वीडियो लेकर। दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऐसा शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने इस पर्वत का नाम न सुना हो, क्योंकि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, यानी कि वहां पर 7,000 से ज्यादा लोग उसकी चोटी पर पहुंच चुके हैं, वहां पर अपना झंडा लगा चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी सिर्फ 6,638 मीटर ही है। ये अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना संभव था, क्योंकि यहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी बताया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है, और इसकी महानता इस बात से होती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर चढ़ नहीं पाया है। जिसने भी आज तक इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, वो या तो मारा गया या फिर रास्ता भटक गया और वापस लौट कर आ गया। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब ये सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा लगता है मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। धरती के इस स्थान पर हवाओं की तरंगों का कुछ इस तरह से मिलना होता है कि यहाँ आए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है, और बीच में स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश, जो कि हजारों लाखों लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र स्थान है, या यूं कहें 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बड़ा ही पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य 3 धर्मों के लिए भी पवित्र है, यानी कि गिनती आपकी 200 करोड़ तक जाने वाली है। ये पर्वत 4 प्रमुख धर्मों को जोड़कर रखता है, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौन धर्म शामिल है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता, और न ही कोई साधारण मनुष्य वहां जा सकता है, और इतना सिद्ध पुरुष आज के समय में मिलना मुश्किल है जो सीधे कैलाश तक जा सके। मरने के बाद या जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर जा सकता है। वही कैलाश के उस हिस्से को देख सकता है जो आज भी आम जनता और दुनिया के लिए रहस्य है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मृत्यु को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, धमनियां धीरे चलने लगती हैं। वैज्ञानिक द्वारा भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र ही माना गया है। यहाँ तक दिशा सूचक भी यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। चारों दिशाओं का मिलन भी कैलाश पर्वत पर ही होता है, इसलिए यहाँ पर दुनिया का कोई भी कंपास आपको सही दिशा नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर दिशाओं का मिलन है, इसलिए कंपास किसी भी दिशा की ओर आपको संकेत नहीं दे पाता। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है। शायद इसलिए ही इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। जब हम कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर होते हैं, तो हमें यह बर्फ से ढके हुए शिवलिंग की भांति प्रतीत होता है,
लेकिन ये महत्वपूर्ण नजारा केवल अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को ही देखने को मिलता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर कोई जीवित प्राणी नहीं जा सकता, कोई जीवित मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसलिए ये मोक्ष का धाम है, ये मोक्ष का मार्ग है। इसलिए यहाँ केवल पवित्र आत्मा ही निवास कर सकती है। आज तक ये भी देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है तो रास्ते में ही रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा है। अचानक से ठंड बढ़ जाती है, मौसम बदलने लगता है, तूफान उठने लगते हैं। आपके मन में एक अजीब सी डर बैठने लगती है, आपके मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है, ये विचार बार बार आपके मन में आने लगता है। हालांकि कुछ तिब्बती लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में महंत संत योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, जिसमें वे सफल हुए थे। हालांकि आज इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई प्रमाण भी मौजूद नहीं है, और साथ ही मिलारेपा की अनेक किताबें प्रचलित हैं, मिलारेपा के अनेक व्याख्यान हैं, मिलारेपा के अनेक उपदेश हैं, जिनमें उन्होंने कहीं भी इस कैलाश पर्वत के रहस्य का जिक्र नहीं किया। यह हो सकता है कि वो जिक्र आम दुनिया के सामने नहीं करना चाहते थे, ये भी हो सकता है कि वो कभी कैलाश पर्वत पर गए ही नहीं। तिब्बत के धर्म गुरु का कहना है कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। आज भी कुछ तपस्वी शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम एक महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा इस पहाड़ को तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या फिर बिना चढ़े ही उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो इस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। इस पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि वहां समय तेजी से बीतता है, मानो आपको दिनों में महीने बीतने का आभास होगा। नाखून और बालों की वृद्धि जो सामान्य दौर में दो हफ्ते में होती है वो यहाँ पर एक दिन में हो जाती है, और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। यहाँ दो सरोवर मुख्य हैं। पहला मान सरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षसताल नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। इसे जब दक्षिण में देखते हैं तो वह स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य ही है कि झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या फिर इन्हें ऐसा बनाया गया है, ये कैसे हुआ ये आज तक कोई भी नहीं जानता। और ये भी एक रहस्य है, एक जगह पर दो झीलें हैं जिसमें से एक का पानी सदैव खारा रहता है और दूसरी का सदैव निर्मल स्वच्छ और मीठा पानी है। ऐसा कहा जाता है कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि उनके आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो या उनके आसपास डमरू बज रहा हो। लेकिन ध्यान से जब लोग सुनते हैं तो डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो या फिर बर्फ के खिसकने की हो या बर्फ के ऊपर के ढलानों से नीचे गिरने की आवाज हो, परंतु इसको सही और सटीक जवाब तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते। दोस्तों 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसी मुश्किल चट्टाने चढ़ने में बड़े से बड़े पर्वतारोही घुटने टेक देते हैं, और आज तक वैज्ञानिक ये भी नहीं समझ पाए कि जब लावा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो कैलाश पर्वत के ढलान कहाँ गए, चारों ही तरफ से इसके और खड़ी चट्टाने क्यों हैं। हालांकि अब वहां की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं,
रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं। क्या आपने भी कैलाश मानसरोवर झील के दर्शन किए हैं? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर अपना अनुभव साझा करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।